एक बार मुझे बताएंगे कौन सा चैप्टर हमको स्टार्ट करना है? 9th चैप्टर स्टार्ट होगा क्या? हाँ जी प्रभु जी, चैप्टर 9 स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मंगलाचरण करके और आज की कक्षा को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये है अध्याय 9 और आज हम पढ़ेंगे इसका पहला श्लोक, स्टार्ट करेंगे। अब भगवान पहले एक मिनट प्रभु श्लोक जी, में, एक मिनट, उमा माता जी बोल रही है। सेपरेट तो कंप्लीट हो गया ना। एट पॉइंट 19 प्रभु जी, उमा माता जी करी 8.19 को हमें पढ़ना है। 8.19 जैसा? अच्छा, क्या मेरे को लगता है शायद पूरा नहीं हुआ था क्या? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हमें पूरा नहीं हुआ हो। हाँ प्रभु जी, उमा माता जी कह रही है कि चैप्टर 8.19 श्लोक नंबर 19 से हमें ठीक है, शुरू करना नाइन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। 19 श्लोक है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, बहुत समझने वाली। क्या बात कह रहे हैं? कह रहे हैं, जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच में ज्ञान होता है। इसका मतलब क्या है कि भगवान को जानने का ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ कोई एक जन्म की बात नहीं है। ये जो यहाँ मैं और आप बैठे हैं और भगवत विषयक चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने पिछले जन्मों में भी ये चर्चाएं की हैं। और फिर भगवान आगे कहते हैं, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। कि जिसको जन्मों जन्मों तक जिसने ज्ञान लिया है, आप सोचिए, बर्थ आफ्टर बर्थ जिसने नॉलेज प्राप्त की है, किसी तरीके से प्रयास किया है कि मैं कैसे जानूं वो परम तत्व है कौन, ये सृष्टि कहाँ से आई, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, क्या मृत्यु के बाद जीवन है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, कोई आध्यात्मिक जगत है, कोई भगवान है, ये सारे क्वेश्चन जिस व्यक्ति ने किए, ऐसे जन्मों 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 तक जानकर कभी कभी क्या होता है, हम निकलते हैं आध्यात्मिक मार्ग पे और हम सोचते हैं ऐसा कि अरे शायद ये भी भगवान है, अरे ये भी भगवान है। हम देखते हैं, खासकर भारतवर्ष में तो हम सब कुछ की पूजा करते हैं, है ना, पेड़ की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, लकड़ी की भी पूजा करते हैं, बाइक स्कूटी आती है तो उसकी भी पूजा करते हैं, सब चीज की पूजा करते हैं। लेकिन भगवान कौन है ना? कुछ लोग सोचते हैं कि जिस धर्म में मैं पैदा हो गया हूँ वही धर्म के जो भगवान है, वो धर्म को मानने वाले जिसको भगवान मानते हैं वही हो सकता है भगवान। उस भगवान को पाने का साधन क्या है? जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, जो पद्धति उनके पास है वही शायद पद्धति है, प्रोसेस जिसको हम कहेंगे। तो
इस प्रकार से अनेक 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 जन्मों तक ये विचार करते रहने से अलग अलग जगह जाके जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान कह रहे हैं जिसको सच में ज्ञान है, जिसको हम कह सकते हैं कंप्लीट नॉलेज है ना। नॉलेज तो बहुत है, ये जो साइन लैंग्वेज है ये भी एक नॉलेज है, ठीक है, और रॉकेट कैसे आसमान में जाता है वो भी एक नॉलेज है, सड़क कैसे बनती है ये भी एक नॉलेज है, भगवान कौन है ये भी एक नॉलेज है। तो नॉलेज का मतलब क्या, ज्ञान का मतलब क्या, तो ऐसा कहा गया, या यूं कहें विद्या का मतलब क्या, तो शास्त्रों में कहा गया विद्या सा विमुक्तये, विद्या वह होती है जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए अर्थात इस भौतिक कलेशों से मुक्त हो जाए, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाए, मैं और मेरे के इस मिथ्या भाव से मुक्त हो जाए, मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो 6 अनर्थ हैं इनसे मुक्त हो जाए, और अपने आप को किस रूप में जाने, मैं जीवात्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं और अंश होने के कारण सेवक हूं, इस रूप में अपने आप को माने, ये वास्तव में विद्या है। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि जो जन्म जन्मांतर तक ज्ञान प्राप्त करता है और वास्तव में ज्ञानी होता है वो क्या करता है, वो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर, कॉज ऑफ दी ऑल कॉजेज, ये मुझे मानकर क्या करता है, मुझे सरेंडर करता है, मेरी शरण ग्रहण करता है। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन ऐसा महात्मा, ऐसी पर्सनालिटी दुर्लभ है बहुत, कोई कोई लाखों करोड़ों में से कोई व्यक्ति एक ऐसा होता है। तो इसीलिए कभी ऐसा लगे कि अरे हम भक्तों की संख्या तो बहुत कम है, आज देखिए इस जूम क्लास में 36 डिवोटीज हैं, है ना, 36 डिवोटीज हैं, तो हमको ये नहीं समझ आ रही है तो बहुत कम है, दुनिया में तो देखिए कितने, भारतवर्ष में ही 140 करोड़ लोग हैं और उसमें से सिर्फ 36 ही भगवान के विषय में सुनने के लिए आगे आए। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि उस विषय को जान पाना बहुत क्लिष्ट है, जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है, वो इस विषय को जानने के लिए इच्छुक होते हैं। हर व्यक्ति ये बात जानने के लिए इच्छुक नहीं है, उसकी जिज्ञासा नहीं है कि वो उस बात को जाने, लेकिन जिसके ऊपर भक्तों की कृपा हुई है, स्वयं भगवान की कृपा हुई है, वो इस विषय को जानने के लिए आता है और क्या करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो यहाँ पे बैठे हुए आप सभी लोग बहुत दुर्लभ हैं, है ना, बहुत मुश्किल से पाए जाने वाले लोग हैं, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, IAS IPS ये वो बहुत एग्जाम्स है ना बड़े बड़े, तो उन एग्जाम्स में से समझ लीजिए भक्ति का एग्जाम है, और जो इसमें से छट के बाहर आते हैं वो क्या है, वो टॉपर्स हैं। तो इस पूरे जगत में सबसे महत्वपूर्ण लोग वो हैं जो भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि दुर्लभ है ना। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, क्योंकि किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि अरे तो अगर सब भगवान की शरण में नहीं आते हैं, इतना ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, जाते कहाँ हैं, कहीं चले भी तो जाते होंगे। तो भगवान आगे बता रहे हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, इसका मतलब ये है कि जिनकी बुद्धि में, जिनके मन में हमेशा क्या चल रहा है, आइसक्रीम खानी है, गोलगप्पे खाने हैं, टिक्की खानी है, अच्छी सुंदर स्त्री चाहिए, है ना, बच्चे चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, मेरा बहुत नाम होना चाहिए, ये सब क्या है, ये इस शरीर की उपाधियां हैं, जिस शरीर को हम देख पा रहे हैं ये 5 भौतिक तत्वों से बन के तैयार हुआ और इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है इससे हमारा, ये क्या है, ये कप जैसा हम कपड़ा पहन रहे हैं ऐसे ही आत्मा ने शरीर रूपी कपड़ा धारण किया है, बस उतना हमारा इसके साथ रिलेशनशिप है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, नहीं, इसको पैदा करने वाली माता, इसको पैदा करने वाले पिता,
उन्हीं माता पिता के द्वारा पैदा किया गया एक भाई बहन, फिर एक पत्नी, फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके लिए कलेक्ट की हुई चीजें जैसे घर, गाड़ी, कपड़ा, सब हम क्या सकते हैं, प्रेम कर लेते हैं उससे, है ना। और कुछ भी चीज इसमें से कुछ दिक्कत हो जाए तो बहुत हमको कष्ट होता है, ऐसा हृदय में लगता है अरे क्या हो गया, जैसे कि हमको किसी ने चांटा मार दिया। तो ये है भौतिक इच्छाओं के द्वारा बुद्धि का मारा जाना, या यूं कहें कि बुद्धि का अपहरण हो जाना। ये जो भौतिक इच्छाएं हैं ये हमारी बुद्धि को किडनैप कर लेती हैं। अब कोई किडनैप हो गया, आप सोचिए आपके अंदर से इंटेलिजेंस का किडनैप हो गया है, अब कोई भी जो समझदारी की बात है वो आपके मन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है अब आपको। एक जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, उसको कहीं पे ऐसा मोमबत्ती जलती हुई, कैंडल जलती हुई दिखाई देगी तो क्या करेगा, जाके उसको छूने का प्रयास करेगा, है ना। और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो लगे रहते हैं जिसमें होल्स होते हैं, उसमें अंदर जाके उंगली डालता है बच्चा, जिसमें प्लग लगाते हैं हम, उसके अंदर बच्चे क्या करते हैं उंगली डालने, जबकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है और उनको बहुत करंट लगेगा, वो मर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें उंगली डालने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा नहीं देखा, जो उनकी उम्र ज्यादा उन्होंने देखा होगा, पहले पंखे चलते थे जो स्टैंड पे लगते थे और बच्चे उनके अंदर भी उंगली डालते थे। तो बच्चे ऐसा काम क्यों करते हैं, बच्चे ऐसा काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुई है। और ऐसा ही क्या करते हैं, ऐसा ही जानवर भी करते हैं, जहां मन करेगा वहां बैठ जाएंगे, जो मन करेगा वो खा लेंगे, जहां मन करेगा सुसुपोटी कर देंगे, है ना, क्यों, बुद्धि नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोग तो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के, 50, 60 साल, 70 साल के, हम सोचते हैं हमको तो बुद्धि हो गई, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, इनकी बुद्धि इनकी भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर ली गई है, इसलिए इन्हें सही गलत का पता नहीं चलता। और जब सही गलत का पता नहीं चलता तो क्या करते हैं, भौतिक इच्छाएं है ना, अब सुंदर पत्नी चाहिए, क्या करोगे, सुंदर पत्नी चाहिए तो सुंदर, किसी को बोलेंगे सुंदर पत्नी चाहिए तो वो कहेंगे अच्छा भगवान शिव की पूजा करो, सुंदर पत्नी मिलेगी। किसी को धन चाहिए तो वो क्या करेगा, वो किसी देवता की पूजा करेगा, किसी पितृ की पूजा करेगा। किसी को बोलेंगे बलवान शरीर चाहिए तो उसको बोला जाएगा कि जो है पवन पवन देव की पूजा करो। तो अलग अलग प्रकार के लोग भौतिक इच्छाओं के द्वारा जब इंस्पायर्ड रहते हैं तो क्या करते हैं, वो अलग अलग प्रकार के देवताओं के पास जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या है, भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर ली गई है, उनके मन में कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो देवताओं की शरण ले लेते हैं, अलग अलग प्रकार के देवताओं के पास, इंद्र, चंद्र, सूर्य, इस प्रकार के देवताओं की शरण में वो चले जाते हैं। और भगवान आगे बता रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, जैसा जिसका स्वभाव होता है उसी प्रकार के देवता के पास वो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो माता के भक्त होते हैं, काली माता के, वहां पे बलि भी चढ़ाई जाती है, शराब भी दी जाती है, क्योंकि ऐसे लोग क्या है, तमोगुण में है, और माता ने ऐसे लोगों को भी एक्सेप्ट किया है जिससे धीरे से उनकी बुद्धि साफ हो जाए। क्योंकि अगर सभी लोगों को नकार दिया जाएगा, अगर सबको कह दिया जाए कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है और मांस नहीं खाना है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो कभी भी भगवान के पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो पता है अरे इन हरे कृष्णा वालों के पास जाओगे तो ये तो कहेंगे कि मांस मत खाओ, ये तो कहेंगे कि शराब मत पियो, तो क्या हम कहना बंद कर दें।
तो क्या हम कहना बंद कर दें? नहीं, हम तो कहते रहेंगे, जो बात सच है हम कहेंगे कि हाँ कृष्ण की आप भक्ति चाहते हैं तो आपको ये सब चीजें त्यागनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग फिर ऐसे देवता के पास जाएंगे, ऐसी देवी के पास जाएंगे जहां पे कि उनको ये खाने के लिए ना रोका जाए और उनको शराब पीने के लिए मना ना किया जाए। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं वो करते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार उन देवी या देवता की पूजा करते हैं। अब कोई कहेगा है ना, सबके मन में प्रश्न होते हैं और भगवान इन प्रश्नों को जानते हैं। प्रभु जी एक मिनट दीजिए मुझे, मेरा फोन शायद चार्ज नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा, अगर मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो मैं दूसरे हेलो फोन से कनेक्ट कर लूंगा। तो भगवान किसी का मन में प्रश्न हो सकता है पहले वाली बात को सुन के, क्या गणेश प्रभु कुछ कह रहे हैं कि? प्रभु जी, श्लोक का नंबर पूछ रहे हैं, कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? 21, मतलब पहले पहले जो हमने पढ़ा है वो 19 और 20 पढ़ लिया, अब 21 पढ़ेंगे। आई थिंक प्रभु जी वो श्लोका बताते रहिएगा तो फिर उनको पता रहेगा, क्योंकि आई अच्छा थिंक बहुत सॉरी, लोग देख भी रहे हैं अपना किताब हाँ में हाँ तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 20, अभी जो मैंने डिस्कस किया वो 20 किया, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि देवी देवताओं के द्वारा जो है देवी देवताओं के पास जाते हैं जिनकी बुद्धि हर ली गई है। तो 21वें श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं तो किस बात का आंसर है? कोई कह सकता है कि भगवान आप तो सर्वसमर्थ हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, तो आप लोगों को बुद्धि क्यों नहीं देते? आप उनको बुद्धि दो, वो क्यों जाते हैं देवी देवताओं के पास? अगर आपको प्राप्त करने पर ही उनकी मुक्ति हो सकती है तो वो देवी देवताओं के पास क्यों जाने देते हूँ? तो भगवान आगे कहते हैं 21वें श्लोक में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूं। और ऐसे ही कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करने की इच्छा उत्पन्न उसके हृदय में होती है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर कर देता हूं। और फिर भगवान इसमें बता रहे हैं कि मैं श्रद्धा क्यों स्थिर करता हूं, जिससे वो उसकी अच्छे से भक्ति कर सके। अब आप कहेंगे कि भगवान ये तो गलत बात है, आपने ऐसा क्यों किया, वो किसी और देवता की शरण में चला गया। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति की कहीं भी किसी भी स्पिरिचुअल अथॉरिटी में उसकी श्रद्धा स्थित हो रही है तो उसकी श्रद्धा स्थित होने में कम से कम वो भगवान को नहीं किसी देवता को तो मान रहा है कि हाँ ये सुप्रीम है, ये मुझसे ऊपर है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है कि वो मैं और मेरे की भावना से ऊपर ही नहीं आ पाता, अपने आप से ऊपर किसी को नहीं समझ पाता। तो भगवान भगवान क्या सुप्रीम, भगवान कह रहे ये उसका पहला कदम है आध्यात्मिक जीवन में, अध्यात्म में उसका पहला कदम है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसकी खुद से
वो कहता है कि अच्छा मेरे को तो जो है शिव जी अच्छे लग रहे हैं, कोई कोई सोचता है कि मेरे को तो गणेश जी अच्छे लग रहे हैं, कोई सोचता है मेरे को तो देवी माता अच्छी लग रही हैं, कोई सोचता है मुझे कोई देवता अच्छे लग रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, तुरंत भगवान मान लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, उसकी श्रद्धा को, क्योंकि हृदय में उसके बैठे हैं परमात्मा रूप में, और तुरंत वहीं पे स्थित कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, इनकी पूजा करो। क्योंकि सभी देवी देवताओं का क्या है, कुछ ना कुछ उनके नियम पालन है, चाहे कोई जो है किसी भी देवता की पूजा करे उसमें कुछ सात्विक नियम दिए हुए हैं, जिससे क्या होगा कर्मशः वो धीरे धीरे है ना ग्रेजुअली क्या होगा जो है शुद्ध होता जाएगा। यज्ञ इत्यादि करने से, पूजा अर्चना करने से, दान देने से, उनका व्रत आदि पालन करने से धीरे धीरे शुद्धता तो आएगी जीवन में कुछ, नहीं तो क्या होगा कुत्ते बिल्ली की तरह कहीं भी जो है खा रहा है, कहीं भी सो रहा है, कहीं भी बच्चे पैदा कर रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं अरे कोई बात नहीं, किसी देवता में भी है उसकी श्रद्धा तो मैं स्थिर कर देता हूँ। और भगवान आगे 22वें श्लोक में एक बात बता रहे हैं, वो बात क्यों बता रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पहले सुनते हैं कि भगवान क्या बात बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित होकर, मतलब ऐसी श्रद्धा वो अपने हृदय में लेकर उस विशेष देवता की पूजा करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करवाता है। जैसे हम गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी को हमने बोला कि हनुमान जी आप तो जो है बहुत बलवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आप क्या करें मुझे एक गाड़ी दिलवा दें, बहुत परेशान हो गया हूँ स्कूटी चला के साइकिल चला के, तो आप मुझे एक गाड़ी दिलवा दें और मैं अच्छे से जाऊंगा, व्रत करूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, फिर क्या होगा मुझे एक दिन गाड़ी मिल जाएगी, हनुमान जी कृपा करेंगे और मुझे एक दिन गाड़ी दे देंगे। और फिर क्या होगा जब वो गाड़ी मुझे मिल जाएगी तो मेरी श्रद्धा और ज्यादा उनमें प्रगाढ़ हो जाएगी। तो भगवान यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि ऐसा फिर क्या होगा, अब सपोज कीजिए कोई जो कि इस्कॉन से नहीं जुड़ा हुआ, बीडीसी से नहीं जुड़ा हुआ, उसने ऐसा किया और उसकी वो इच्छा पूरी हो गई, और गणेश प्रभु जो कि बीडीसी से जुड़े हुए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवत गीता की क्लास में भी आ रहे हैं, और भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गणेश प्रभु को गाड़ी नहीं मिल रही। गणेश प्रभु बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान मुझको एक गाड़ी दे दो, तो लेकिन गणेश प्रभु को गाड़ी नहीं मिल रही। तो अब क्या होगा, वो जो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है वो गणेश प्रभु को बोलेगा अरे तुम्हारे भगवान कमजोर हैं, देखो मैंने तो हनुमान जी से मांगी थी गाड़ी और हमको तो मिल गई, लेकिन तुम्हारे कृष्ण तुमको गाड़ी नहीं दिलवा पा रहे, तो तुम क्या करो तुम हमारे वाले भगवान की पूजा करो ना। तो गणेश प्रभु भी कहेंगे तो हाँ तो क्या दिक्कत है, मैं नाम तो ले ही रहा हूँ भगवान का, क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, जब तक गाड़ी नहीं आ जाती है हनुमान जी के पास चलते हैं कि थोड़ा थोड़ा हनुमान जी का भी नियम पालन हम चालू कर देते हैं। तो भगवान लेकिन इसमें बता रहे हैं 22वें श्लोक में कि अर्जुन वास्तविकता सच्चाई ये है कि ये जो सारे लाभ हैं ये भी मेरे ही द्वारा दिए जाते हैं। ये कोई भी देवी देवता अपने पास से कुछ नहीं देता है, जो देता हूं मैं देता हूं, मुझसे सैंक्शन होके ही जाता है जो जाता है। लेकिन बात क्या होती है कि भगवान क्या है, जब अपने भक्तों को देते हैं, अपने भक्तों को बहुत हिसाब से देते हैं भगवान, बहुत तोल तोल के, है ना। अब जैसे एक आप मैं आपको एग्जांपल दूं, एक हलवाई है और हलवाई कुछ मिठाई में मिलावट करता हो, या ज्यादा उसको पता है कि अगर ज्यादा मीठा खाने से कोई बीमार पड़ सकता है, तो वो बाकी सबको तो देगा लेकिन अपने बच्चे को क्या कहेगा मिठाई मत खाओ। इसलिए कहावत मशहूर है हमारे, कम से कम ये नॉर्थ इंडिया में, बहुत उत्तरी भारत में कहा जाता है कि हलवाई अपने दुकान की मिठाई कभी नहीं खाता, ये कहावत है।
कि कोई भी हलवाई अपने दुकान की मिठाई नहीं खाता। तो इसी प्रकार से जब किसी देवता से कोई वस्तु मांगी जाती है तो वो बिना विचार किए कि ये वस्तु से अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो अपने जो पूजक हैं, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनको उस वस्तु को प्राप्त दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि अरे मेरे भक्त को अगर मैं गाड़ी दे दूं तो इसमें तो अहंकार आ जाएगा। ये कह तो रहा है कि भगवान मुझे गाड़ी दे दो, मैं तो आपके धाम जाऊंगा, तीर्थ स्थल जाऊंगा, लेकिन वास्तव में गाड़ी आने के बाद ये क्या करेगा? ये किसी को अपने साथ में बिठाएगा, लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा और रेस्टोरेंट में कुछ उल्टा सीधा खाएगा और घर को वापस आ जाएगा। तो भगवान सब कुछ देख के तब अपने भक्तों को कोई भी वस्तु प्रदान करते हैं। लेकिन ये बात को सोचना कि हम फला फला देवता के पास जाएंगे, उनको हाथ जोड़ेंगे, दिया जलाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान कृष्ण हमको जब सही समय आएगा तो बिल्कुल ठीक वस्तु हमको प्रदान करेंगे। तो इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये बात भगवान ने स्पेशली हम भक्तों के लिए ही कही है कि भाई ऐसा मत सोचना कि भगवान जो है डायरेक्ट तो दे नहीं रहे, इनडायरेक्ट उनसे ले जाओ। तो ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी और के पास भी जाएंगे तो हो सकता है कि भगवान मना कर दें कि नहीं, ये तो मेरा भक्त है, इसको अभी नहीं देना है, जब इसका समय आएगा तो इसको देंगे। फिर भगवान आगे कहते हैं 23वें श्लोक में कि जिनमें कम बुद्धि है, जो कम अकल है, वास्तव में वो देवताओं की पूजा करते हैं। अब भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन देवता मतलब भगवान यही श्लोक में ही बता रहे हैं, क्योंकि उन देवताओं से प्राप्त होने वाले जो फल हैं, है ना, जो वो हमको देते हैं, गाड़ी, घोड़ा, सुंदर घर, सुंदर स्त्री, अच्छे बच्चे, पैसा, नाम, ये सब क्या है? भगवान कहते हैं सब क्षणिक है। क्षणिक मीन्स टेम्पररी है, कुछ समय के लिए ही रहता है। और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। अगर कोई देवताओं की पूजा करेगा, इंद्र, चंद्र, सूर्य इत्यादि की, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तक भी किसी देवता की पूजा करेगा तो क्या होगा? उनके लोक में जाएगा। और जब पूर्ण प्रलय आएगी तो उनका लोक भी नष्ट कर दिया जाएगा, और क्या होगा, वो जो व्यक्ति ऊपर है उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा। वो जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो कभी भी छूटने वाला नहीं है देवताओं की पूजा करने से। ऐसा भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कोई कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने लगे कि अरे ये देखो प्रभु जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, देवताओं की पूजा को गलत बता रहे हैं, हम तो सालों से देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। देवताओं की पूजा करना गलत बात नहीं है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देवताओं की पूजा करना कोई गलत बात नहीं है। आप खूब देवताओं की पूजा करें, लेकिन किस रूप में? इस रूप में, इसको बोलते हैं जैसे एक पेड़ होता है और उसकी शाखाएं होती हैं, तो शाखाओं में और पेड़ में कोई फर्क तो है नहीं। तो इसी प्रकार से हम क्या माने? पेड़ माने भगवान श्री कृष्ण को और शाखाएं माने इन देवताओं को। ये क्या है? ये वास्तव में भगवान से ही कनेक्टेड हैं और हमको कुछ इनसे मांगना नहीं है। किसी देवता के प्रति उनकी कुछ लीला के प्रति आपकी कोई विशेष रुचि हो सकती है, तो इसलिए आप उनका सम्मान भी करें, उनको दिया भी दिखाएं, उनके पास जाके अपना जो है नतमस्तक भी हो। लेकिन अगर आप सोचें कि ये सर्वे सर्वा हैं, ये सुप्रीम हैं, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, तब क्या होगा? तब ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में उनसे कुछ मांगने की इच्छा प्रबल है।
अगर आप जाके जो है देवताओं से कुछ मांग रहे हैं, इसका मतलब है क्योंकि वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, सुप्रीम हैं। कृष्ण ने तो मुझे गाड़ी नहीं दी, इसलिए कृष्ण क्या है, नीचे हैं। और गणेश जी ने मुझे गाड़ी दे दी, तो इसलिए गणेश जी ऊपर हैं। तो ऐसी बात सोचना ये निहायती मूर्खपने की बात है, जबकि हमको क्या सोचना चाहिए कि ये भी क्या है, भगवान के भक्त हैं। जितने भी देवी देवता हैं ये सब भगवान के भक्त हैं, और इस रूप में हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनके मंदिर में भी जाना चाहिए, उनको प्रणाम भी करना चाहिए, लेकिन सर्वे सर्वा नहीं मानना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये क्या है, ये शाखाएं हैं उस बड़े पेड़ की, है ना, जो विशाल वृक्ष है जिसका नाम कृष्ण है, उस वृक्ष की ये सब क्या है, शाखाएं। नहीं तो क्या होगा, आप लोग कंफ्यूजन में रह जाएंगे। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं, जो डायरेक्ट मुझे पूछते हैं, उनको हो सकता है मैं गाड़ी ना दूं, उनको हो सकता है मैं बहुत बड़ा बंगला ना दूं, उनको हो सकता है रुपा पैसा ना दूं, उनको हो सकता है कोई प्रतिष्ठा ना दूं, उनको कोई जाने ना इस जगत में, लेकिन वो क्या होते हैं, मेरे धाम को वापसी आते हैं। और भगवान ने पहले ही बताया, जो मेरे धाम पे वापसी आ जाता है उसको कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं इतना सा प्रश्न आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने मन में सोच के मुझे बताइए कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने वर्ष जीने की कामना है, या आपको लगता है कि मैं इतने वर्ष तो जीऊंगा बस, इससे ज्यादा तो मुश्किल ही मेरी लाइफ होगी, बताइए आप मुझे। प्रभु जी 75, 80, 90, 85 ऐसे ही आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए, इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि संसार में लगभग लोग इतना ही जीते हैं, 80, 85, 90। कोई बहुत पुण्य आत्मा व्यक्ति हुआ तो 100 वर्ष खींच जाए, बहुत बड़ी बात। तो मैं कहता हूं आपसे कि अगर आज आपकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, और आपके जीवन में बड़ा कष्ट है, भगवान ने आपको रुपया पैसा भी नहीं दिया, बहुत इज्जत शोहरत भी नहीं दी, बड़ा घर बड़ी गाड़ी भी नहीं दी, तो क्या हुआ, कितने वर्ष हमको जीना है? अगर आज 30 साल के हैं, अगर आज हम 30 साल के हैं, तो कितना, 60 साल बहुत मुश्किल से जीएंगे। जैसे 30 निकल गए वैसे ये 50, 60 साल भी निकल जाएंगे, है ना। लेकिन हमको क्या मिलेगा, गाड़ी नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये शरीर छूट जाएगा तो हमको भगवान का परम धाम मिलेगा, भगवान के दर्शन हमको प्राप्त होंगे, और वहां पे बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, ऐसा मुझे एक जो है साधु बता रहे थे, भगवान के लोक में बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, और उनमें पेट्रोल वेट्रोल नहीं डलता है, वो मन की गति से चलते हैं। आपने मन करा कि हाँ वहां जाना है तो बिल्कुल फास्ट जाएंगे, बहुत समय नहीं लगाते। और अभी क्या है, घर में इंटीरियर करवाना पड़ता है ना, सुंदर घर चाहिए तो इंटीरियर करवाना पड़ता है, कैसा बनाए, ऐसा बनाए, वैसा बनाए, जमीन खरीदो, रजिस्ट्रार के पास जाओ, ड्यूटी दो, ये करो, वो करो, पैसा। वहां ऐसा नहीं है, वहां आपका मन आया, नहीं, घर अच्छा नहीं लग रहा, बदल दो इसको, तो सब अपने आप बदल जाता है। वहां घर है, ऑटोमेटिक घर है, आपका मन करेगा कि नहीं आज सोने का घर होना चाहिए तो सोने का हो जाएगा, आपका मन करेगा कि हीरे का घर होना चाहिए हीरे का हो जाएगा, आपको लगेगा घर बड़ा होना चाहिए तो बड़ा हो जाएगा, आपको घर लगेगा छोटा होना चाहिए तो छोटा हो जाएगा, आपको जो मन करेगा वो आपको हो जाएगा। दूसरा, कभी वहां पे थकान नहीं होगी, और किसी भी प्रकार की थकान हमको वहां पे नहीं होगी, अलग अल अलग प्रकार की सुविधाएं, जो खाने का मन करेगा, कल्प वृक्ष होते हैं, डिजायर ट्रीज, आप उससे मांग लो, वो आपको खाने को मिल जाएगा। और जैसा हम कार्टून में देखते थे, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कार्टून आता था एक, तो उसमें आता था कि चॉकलेट की नदी है, डिजायर ट्री, तो जब मैं छोटा था तो मैंने कार्टून में देखा था कि एक चॉकलेट की नदी बहती है, कार्टून में ऐसा दिखाते थे,
ना दूध की नदी बहती है, एक नदी बहती है उसमें सब कुछ बह के, जो भी आपको चाहिए वो बह के आता है। तो वो साधु बता रहे थे कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं, भगवान के धाम में बहुत कुछ इससे विशाल है। वहां पे नदी वदी की आवश्यकता नहीं है इन सब चीजों के लिए, वहां पे सब कुछ सबके पास ऑलरेडी है, जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और हमेशा वहां पे लोग ऐसा चलते नहीं है जैसे हम पैरों से चलते हैं ना, वहां सब डांस करते हुए चलते हैं, है ना। भगवान के लोक में सब इतना प्रसन्न रहते हैं, इतना आनंद होता है कि नाचते हुए चलते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा है कभी, छोटे बच्चे को कोई मतलब नहीं है कि कोई परेशानी है, दिक्कत है, पापा के पास पैसे हैं नहीं है, वो क्या करता है, चलेगा तो ऐसे उछल उछल के चलेगा, है ना, सबने देखा हुआ है ये। तो इसीलिए जब हम भी चिंता मुक्त हो जाएंगे तो हम क्या सीधे सीधे नहीं चलेंगे, ऐसा उछल उछल के चलेंगे, है ना, डांस करते हुए चलेंगे। दूसरी बात, वहां पे कोई भी बोल के कुछ नहीं बताता है, जैसे आप और मैं ऐसे बात कर रहे हैं ना, तो वहां ऐसे कोई बात नहीं करता है, सारी बातें गा के होती हैं, है ना, ऐसे सॉन्ग की तरीके से सारी बातें बताई जाती हैं। तो वहां सुख के अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ आनंद 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 और केवल आनंद। और कैसा आनंद, क्षणिक आनंद, कि आज है और कल नहीं, ना, जब तक मन करेगा, जब तक मन नहीं भी करेगा तो भी आनंद नहीं मिलेगा। जैसे सूर्य कभी भी अंधकार का दर्शन नहीं कर सकता, ऐसे ही भगवान के धाम में रहने वाले भगवान के भक्त कभी भी कलेश, चिंता, दुख इसका दर्शन नहीं कर सकते, उनके लिए वर्जित है वो, उनको पता ही नहीं है कि दुख क्या होता है। तो इसलिए भगवान यही कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, उससे क्या होगा, मेरे परम धाम को तुम जा सकोगे। फिर आगे भगवान 24वें श्लोक में बताते हैं कि कुछ बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण, जिनकी बुद्धि कम है, वो क्या करते हैं, वो मुझे ठीक से नहीं जानते और क्या सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था, ऐसा सोचते हैं। जैसे आपने भी कई बार सुना होगा कि भगवान का कोई रूप थोड़ी है, भगवान तो निराकार है, शक्ति स्वरूप है, वो तो एक ज्योति के जैसे हैं। तो भगवान बता रहे हैं ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में, तो भगवान कह रहे हैं वो क्या सोचते हैं, पहले मैं निराकार था और मैंने अब इस स्वरूप को धारण किया है। समझ रहे हैं आप, कई बार मैंने कुछ भजनों में ऐसा सुना है, सॉन्ग जो होते हैं तो उसमें ऐसे गाते हैं कि वो निराकार आकार का रूप लेके आया है। तो भगवान इस बात को क्या कह रहे हैं, इस बात को मूर्खतापूर्ण बता रहे हैं, कह रहे तो मूर्खपन है, कह रहे बेकार की बात है। और इसी अल्प ज्ञान के कारण, इसी मूर्खता के कारण वो क्या करते हैं, मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता, मतलब ये जो मेरा कृष्ण रूप है इसका कभी विनाश नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ये था नहीं अब बना लिया गया है, कुछ समय के बाद मिटा दिया जाएगा, ना, अविनाशी स्वरूप है। और मेरी प्रकृति कैसी है, नेचर बता रहे हैं भगवान अपना, कहते हैं सर्वोच्च नेचर, है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी, खुद से ही बताना पड़ा। देखिए भगवान के लिए कितना दुखद है कि हम जैसे मूर्खों को ये सारी बातें बोल बोल के बतानी पड़ी है। इस पूरे जगत में ऐसा कौन है जो अपने मुंह से कहेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, सब मेरे से नीचे हैं, मेरी शरण, भगवान को कहना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है नहीं कहूंगा तो ये मानने वाले नहीं है। और आप देखिए कहने के बाद भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में मानते नहीं है। कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी अंत नहीं हो सकता, मैं सर्वोच्च हूं, मैं सुप्रीम हूं। फिर भी लोग क्या कहते हैं, नहीं, ये भगवान थोड़ी है, वो तो कोई और भगवान है, ऐसे भगवान है, वैसे भगवान है।
और भगवान 25वें श्लोक में आगे बता रहे हैं कि मैं मूर्ख और अल्पज्ञों के लिए, जिनका ज्ञान कम है और जो मूर्ख हैं, उनके लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, उनको कितना भी क्लास दे दो, कितनी भी बात बता दो, लेकिन वो भगवान में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की नजर में वो क्या है, वो मूर्ख है। कैसे मूर्ख? भौतिक इच्छाओं के प्रति इतने आसक्त हैं कि वो किसी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। मतलब भगवान कह रहे हैं, मैं अपनी इंटरनल पोटेंसी से अपने आप को ढक लेता हूँ, दिखाई नहीं देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, सूर्य जब बादलों के द्वारा ढक लिया जाता है तो दिखाई नहीं देता। और कोई सोच सकता है, बालक कोई सोचेगा कि ये जो प्रकाश है ये बादलों में से आ रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि सूर्य जैसी भी कोई वस्तु है। और भगवान कह रहे हैं, इसीलिए वो नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूं तथा अविनाशी हूं। अजन्मा मतलब जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, और मूर्ख हैं इसलिए वो कभी भी नहीं जान पाते कि मैं अविनाशी हूं तथा अजन्मा हूं। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं, 14 मिनट हैं हमारे पास। प्रभु जी 2 मिनट मैं ब्रेक ले लूं। हाँ प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज लेक्चर तो मैं पूरा समझा।
हाँ तो प्रभु जी, तो कोई जैसे बाकी सारे आपने बोला कि देव देवता हमारे इच्छाओं को मानते हैं और दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसा देव नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है जो हमें संतुष्टि दे? यही प्रश्न है। यही प्रश्न है ना? हाँ प्रभु जी, यही साइन किया उन्होंने, मैंने यही बताया आपको। हाँ, मतलब उनसे मैं पूछ रहा हूँ, यही प्रश्न है। हाँ जी संतुष्टि शांति एक ही बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञ और तपस्याओं का जो भोक्ता हूं। भोक्ता मतलब समझते हैं, एंजॉयर। आप कुछ तपस्या करते हैं, है ना, कुछ यज्ञ करते हैं, तो उसको एंजॉय कौन करता है? तो भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का क्या हूं, महेश्वर हूं, मतलब ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। बहुत सारे ईश्वर हैं इस जगत में, हम देखते हैं, चंद्र है, इंद्र है ना, सूर्य हैं, और भी बहुत सारे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी एक प्रकार के ईश्वर हैं, क्योंकि उनकी सत्ता है, काफी सारी चीजें उनके कंट्रोल में है। तो उनको जैसे राजा होता है, राजा को ईश्वर कहा गया है, राजा को भी ईश्वर कहा गया। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, कि सभी लोगों का, ना कि सिर्फ पृथ्वी लोक का, अपितु सभी लोगों का, चाहे वो ब्रह्मा जी का लोक हो या यमराज का लोक हो, वो ब्रह्मा जी के भी ईश्वर हैं, भगवान शिव के भी ईश्वर हैं, यमराज के भी ईश्वर हैं, चंद्र के भी ईश्वर हैं, और सूर्य के भी ईश्वर हैं, इंद्र के भी ईश्वर हैं। अच्छा, तो बोले फिर भगवान आपसे तो डरना चाहिए हमको, आप तो इतने महान हैं, फिर तो मतलब डर जाएंगे हम। तो भगवान बोले, सुहृद सर्वभूतानां, कि मैं हूं सर्वलोक महेश्वर हूं, लेकिन सभी लोगों का मित्र भी हूं। मैं अपने आप को ईश्वर रूप में नहीं मानता, मैं सबको अपना मित्र रूप में देखता हूं। वो हेमनाथ प्रभु के मित्र हैं, चाहे हेमनाथ प्रभु ने उनसे भी मित्रता ना की हो, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं तो हेमनाथ को अपना मित्र ही मानता हूं। मित्र मतलब, एक भगवान यहाँ पे टर्म यूज करें, सुहृद मतलब वेल विशर, मित्र भी कहना गलत होगा, वेल विशर, भगवान हमारे शुभ चिंतक है। और फिर अच्छा कहे कोई कि अच्छा फिर क्या करें, ठीक है भाई, सभी यज्ञ और तपस्याओं के आप एंजॉयर हो और सभी लोगों के महेश्वर हो, सभी ईश्वरों के ईश्वर हो, सबके वेल विशर भी हो, तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, जो मुझे इस रूप में जान लेता है उसको शांति प्राप्त होती है। जो आप सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हो, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है भगवान को जान लेने के बाद। किस रूप में जानने के बाद? ये जितनी यज्ञ तपस्याएं इस पूरे दुनिया में चल रही हैं, उसका एंजॉयर भगवान श्री कृष्ण है। सभी लोकों के महेश्वर, दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये भगवान श्री कृष्ण है। और इतना होने के बाद भी सभी के वेलविशर भगवान श्री कृष्ण है। आप इन तीन चीजों में भगवान को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। आप सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है क्योंकि आपने आज तक जो भी किया है अपने इस शरीर के लिए किया है। आपने खाना खाया इस शरीर के लिए, आपने नहाए इस शरीर के लिए, घूमने गए इस शरीर के लिए, कपड़ा पहना इस शरीर के लिए, जो भी किया इस शरीर के लिए किया। क्या आप ये शरीर हैं? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप ये शरीर हो? आप हो आत्मा, आपने आत्मा के लिए क्या किया? आपको पता ही नहीं कि था कि जो है मेरा खाना क्या है, मेरा खाना क्या है, मेरा खाना है भगवान श्री हरि का नाम, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवत गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना, और भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ प्रवचन, इनका श्रवण करना, ये वास्तव में आत्मा का खाना है। और जब तक आप आत्मा को खिलाओगे नहीं, तो क्या होगा, आपकी भूख तो मिटने से रही है ना। और भूखे आदमी को कभी सेटिस्फेक्शन होता है क्या?
ये जो हमारा शरीर है इसको खाना नहीं देंगे तो सेटिस्फाइड हो पाएंगे? ऐसा रात को नींद भी नहीं आएगी, आप 2 दिन खाना मत खाओ, पानी मत पियो, आपको नींद नहीं आएगी। और आपने कितने जन्मों से अपनी आत्मा को फूड ही नहीं दिया, आपने आपको फूड दिया ही नहीं है। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भक्तों का संग, ये सब दिया ही नहीं तो कैसे सेटिस्फेक्शन आएगा? नहीं कभी भी। तो इसलिए अपनी आत्मा को खाना देना चालू कीजिए, भगवान का नाम का जप करना आरंभ कीजिए, बहुत भगवान के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास कीजिए, अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं, ये सेटिस्फेक्शन एक ऐसी चीज है जो अंदर से आता है, बाहर से अंदर नहीं आएगा, ये अंदर है, आपको देखने की आवश्यकता है बस। ठीक है, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो शिवा जैसे हैं, ओम या गणेश प्रभु है, तो प्रभु जी उनका सवाल ये है कि जैसे वो जो हैं ओम मतलब शिव शिव भगवान और मतलब शिव का और गणेश की पूजा करते हैं, फास्ट वगैरह रखते हैं उनके लिए, तो उन सब चीज़ों में अगर ऐसा वो करे, क्या वो कृष्ण कृष्ण लोक या कृष्ण भगवान के पास जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। अगर अगर आपका क्या है कि मतलब शुद्ध भाव से बिना किसी भौतिक इच्छा के अगर आप जो है भगवान शिव को, गणेश को अगर आप पूजा कर रहे हैं और उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी मेरे लिए ठीक है आप मुझे वो प्रदान कीजिए, तो वो आपको लास्ट में कृष्ण लोक और कृष्ण भक्ति ही प्रदान करेंगे। अब आप कृष्ण भक्तों के संग में हैं, इसका मतलब ही ये है कि उन्होंने आपको दिया है। प्रभु जी वो कह रहे हैं कि हाँ, सो इफ कह रहे प्रभु जी अगर फास्टिंग वगैरह करते हैं, श्रावण के मास में फास्टिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो क्या कृष्ण हमें भक्ति देंगे? देंगे सभी फास्टिंग, जितने भी तरीके की स्पिरिचुअल चीजें हैं जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, वो एट लास्ट आपको कृष्ण भक्ति तक ही लेके जाएंगी, या तो इस जन्म में, या अगले जन्म में, या उससे अगले जन्म में। अगर आपको डायरेक्ट प्रोसेस चाहिए तो भगवान के नाम का जप आरंभ कर दीजिए, ये डायरेक्ट प्रोसेस है, आपको अगले जन्म तक रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि धीरे 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 करके हम जाएं, तो ठीक है, बाकी सब चीजें आप करते रहिए, तब भी एट लास्ट तो कृष्ण के पास जाके ही शांति मिलेगी।
हाँ तो प्रभु जी, लेकिन मैं अगर शिव भगवान को भी प्रार्थना करती हूँ, कृष्ण को भी प्रार्थना करती हूँ, तो लेकिन मैं फिर कैसे सोल, मतलब आत्मा किस तरफ कहाँ जाएगी? आत्मा सब जगह विचरण करेगी। बात यह है कि हम किस रूप में जो है स्मरण कर रहे हैं भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का। अगर आप सोच रही हैं कि भगवान शिव भी सुप्रीम है, भगवान कृष्ण भी सुप्रीम है, गणेश जी भी सुप्रीम है, सब सुप्रीम है, तो फिर आप कहीं भी नहीं जाएंगी। और अगर आप सोच रही हैं कि भगवान शिव इसलिए सुप्रीम है क्योंकि वो भगवान कृष्ण से ही निकले हैं, भगवान कृष्ण का ही एक अंश है, इसीलिए वो सुप्रीम है, तो आपको निश्चय ही जो है धाम मिलेगा, जिसके भी प्रति आपकी ज्यादा श्रद्धा होगी उसका। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, सब सुप्रीम है, सब सुप्रीम है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अभी थोड़ा सा और समय मिलेगा, लगेगा, कुछ जन्म लगेंगे प्रॉपर ज्ञान प्राप्त करने में। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे प्रभु अम्बर, है ना। तो प्रभु जी, वो नंदिनी माता जी कह रहे हैं वो उनका दोस्त है, नीलिमा उनकी दोस्त है, तो वो गाड़ी वाड़ी में जाने का सोच रहे थे, तो लेकिन दूसरे किसी दोस्त ने कैंसिल कर दिया। तो उन्होंने प्लान किया था नीलिमा के घर जाएंगी नंदिनी, तो लेकिन उनके दोस्त ने कैंसिल कर दिया, तो वो नहीं गए। हाँ, तो वो घर पे ही फंसे रह गए। तो ये कृष्णा क्या चाहते हैं, कि वो घर पे ही रहे? ऐसा कैसे, घर पे ही बैठे रहें, घर पे ही कृष्ण भक्ति करते रहें? हाँ, लेकिन घर पे तो मतलब खुश नहीं रह सकते, कभी कभार मतलब कुछ प्लान करते हैं वो ऐसे कैंसिल हो जाता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्सा ना करें, कृष्ण सोचे कि कृष्ण भगवान ने ही किया है हमारे लिए, कैसे होता है? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये नंदिनी माता जी, आपने टाइटैनिक का नाम सुना है? एक जहाज था बहुत बड़ा, टाइटैनिक, जो डूब गया था। सुना सुना। तो जब टाइटैनिक हुआ, और टाइटैनिक उस समय का मतलब बहुत बहुत मतलब हाइप थी उसकी ना, मतलब जैसे कोई नई मूवी आती है इस तरीके से, टाइटैनिक में जाना एक बहुत बड़ी बात थी। टाइटैनिक का मतलब ही होता है कि जो डूब नहीं सकता ना, टाइटैनिक का जो मतलब है वही यही है कि डूब नहीं सकता, तो बड़ा उसके बारे में चर्चाएं थी। और जब टाइटैनिक को लॉन्च किया गया, टाइटैनिक को जब पहली बार जो है निकाला गया समुद्र में, तो सब लोग आए थे, खूब सारी मीडिया ने उसको कवरेज दी, और सब जगह सब न्यूज चैनल्स पर टाइटैनिक 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 टाइटैनिक। और फिर 1 घंटे बाद सभी न्यूज चैनल पे एक फैमिली थी, उसके कुछ समय बाद सभी न्यूज चैनल्स पे एक फैमिली थी जो कि रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी।
क्यों रो रही थी वो फैमिली? क्योंकि एक आदमी था जिसने अपनी पूरी लाइफ पैसे खर्च किए थे, पैसे इकट्ठा किए थे, सेव की थी, अपनी सारी सेविंग लगा के उसने टाइटैनिक की टिकट खरीदी थी, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए और खुद के, अपनी वाइफ के लिए उसने 3 टिकट ली थी, और उसकी पूरी लाइफ की सेविंग्स उसमें चली गई। और वो तीनों पति पत्नी और बच्चा जो है रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, क्योंकि उनका जहाज छूट गया था। और क्यों छूट गया था? क्योंकि उनकी बच्ची को कुत्ते ने काट लिया था, तो उनको क्या, उनको इंजेक्शन वगैरह लगवाने जाना पड़ा, और उसके लिए वो लेट हो गए। और जब तक वो वहां पे पहुंचे तो तब तक वो जो जहाज था टाइटैनिक वो निकल चुका था। और वो बहुत रो रहे थे, और वो बार बार रो रो के क्या बोलता था, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी मैंने इसमें लगा दी थी, और देखो मैं टाइटैनिक पे नहीं जा पाया। और जिस दिन टाइटैनिक डूब गया, पूरे सब न्यूज चैनल पे उसी भक्ति की न्यूज थी, और वो खुश हो के इस बात को कह रहा था कि देखो ऊपर वाले ने मेरे साथ कितना अच्छा किया, भगवान ने मुझे बचा दिया। तो इसीलिए कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जो हमारा प्लान है भगवान को वही करना चाहिए, भगवान को हमारे प्लान के अनुसार करना चाहिए, लेकिन भगवान का बहुत ग्रेट प्लान है हमारे लिए, है ना। कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि कोई जो है, हम कहीं पे जा रहे हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से हम नहीं जा पाए, तो ऐसा बिल्कुल संभावना थी कि वो एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन जहां पे तलवार लगनी थी वहां भगवान ने हमें सुई का दर्द दे के ही छोड़ दिया। तो भगवान की जो योजना है ना, बहुत विशाल है। हम लोग बहुत छोटे हैं माता जी, बहुत छोटे हैं हम लोग, मतलब बिल्कुल बिल्कुल जरा से भी नहीं है हम, मतलब भगवान की योजना के सामने हम बहुत छोटे हैं। और यही वास्तव में श्रद्धा, आस्था, प्रेम, यही है कि जो मेरे प्रभु ने किया है वो दी बेस्ट किया है, वो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं जाने दिया तो कोई बात नहीं, नीलिमा माता जी आपके यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो समय है हर चीज का, समय को जो है करते रहना चाहिए। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप सब भक्तों को बताना चाहता हूँ, मैंने कहीं पे ऐसी कोट पढ़ा था। तो एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कि बीरबल ये जो दीवार है इस पे कुछ ऐसा लिख दो कि जब मैं इसे सुख में पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं, और जब दुख में पढ़ूं तो सुखी हो जाऊं। अब ऐसी क्या बात लिखें कि जब उसको अगर कोई दुखी व्यक्ति पढ़े तो बड़ा खुश हो जाए उस बात को पढ़ के, और जब कोई सुखी व्यक्ति पढ़े तो उस बात को पढ़ के दुखी हो जाए। तो बीरबल ने उस दीवार पे लिखा कि ये वक्त गुजर जाएगा, मतलब ये जो आज समय है ये नहीं रहेगा। तो इसलिए जब उस बात को कोई दुख में पढ़ता था तो सुखी हो जाता था, कि अच्छा दुख का समय नहीं रहेगा तो सुखी हो जाता था, और जब कोई सुख में होता था तो उसको पढ़ के दुखी हो जाता था, अरे ये समय नहीं रहेगा क्या। और यही वास्तव में जीवन की सच्चाई है कि जो छोटी मोटी चीजें हैं आती जाती रहती हैं, इनके लिए बहुत नहीं सोचना, ये समय गुजर जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और पप्पी एंड उसमें आ करेंगे गया, क्लास को, मतलब ठीक है। हरे मैं तो लेट छुट्टी हो रही है स्कूल की, दो कृष्णा, तीन। इसलिए चिल्ला अरे ऐसी प्रभुपाद ऐसी की जय। थैंक आप यू नाम सौरभ प्रभु, हरे कर कृष्णा। तो वेरी